सारा यही मेरा तो कोई बचपना मेरे माँ का बाप का सबका नहीं का, मेरा नहीं का, मेरे बच्चों का नहीं का। मैं कब के कोई जमाने की हो गई, मैं तो हमने कब्जा नहीं करा भैया, हमने मोल खरीदी थी, मोल की खरीदी है हमारी, तन कसे पेट कसे बच्चों को करा कसा क्या कर, मैं तो जगह खरीदी, हमें पता हम तो अपने कुर्बान जान भी कुर्बान कर देंगे भैया, हम तो अपने जाने कुर्बान कर देंगे, हम तो उसका नीचे ही लेटेंगे, हम तो बच्चों को भी लेकर बहुओं को लेकर पोती पोतों को लेकर क्यों बिल्डोजर चलेगा, बिल्डोजर हमारे ऊपर चलाएं, हमारे मकानों के ऊपर क्यों चलाएंगे, हमारी गरीब बस्ती है, कोई भूखा पड़ा है कोई प्यासा पड़ा है, इतनी कमाई नहीं, हमारी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन से कभी नहीं हटेंगे, हमारे ऊपर चलाएं बिल्डोजर, पहले हमारे ऊपर चलाएं फिर हमारी ज़मीन के ऊपर चलाएं। हमें बरसे हो गए, हमारा आदमी भी यहाँ ख़त्म हो गया, हमने बच्चों की ब्याह शादी भी कर दी, सब कुछ यहाँ कर दिया, तो अब हमारी ज़मीन को खींचेंगे कोई छीनेंगे, हमें अपनी ज़मीन चाहिए हर हालत। नहीं हमने कब्जा नहीं किया, जब हमने कब्जा किया तो आप कहाँ थे, उन्हें भी तो आना चाहिए, जब चीज़ पे हम किसी पे कब्जा करेंगे तो आप नहीं आएंगे कि हमारी ज़मीन है कोई कब्जा कर रहे हो, तो आप कहाँ सो गए थे, जागे नहीं, अब जागे, हमें अपनी ज़मीन चाहिए, हमें जय ही ज़मीन चाहिए, जय ही नहीं रहना है, फिर हमारे मकान पर चलाएंगे, नहीं लिख लेंगे, मर के लिख लेंगे, हम यहाँ से मर के जाएंगे, हम अपने मकान पे आज नहीं आने देंगे, हमारी बहुत बहुत गरीब बस्ती पड़ी, उनके घर में खाने को नहीं, किसी का कोई कमाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, जवान जवान बेटियाँ हैं बेटे हैं, कहाँ हम ले जाएंगे, हम कहाँ पढ़ेंगे, वो हमल से है कोई कुछ है तो हम कहाँ जाके पढ़ेंगे, हम अपना मोती जी से कुछ नहीं हमें कहना, मोती जी ने योजना निकाली कि हम पैसा जमा करो हम मकान तुम्हें देंगे, हमें उस मकान में रहना नहीं, अपना मकान कहीं छोड़ के जाना नहीं। हमारी समस्या यही है कि हमसे हमारा हक नहीं छीना जाना चाहिए, हमसे हमारा हक नहीं छीना, गाड़ी आ रही उसको बीमारी कहाँ से आ गई, हमने कोई कब्जा नहीं किया, अगर हम कब्जा करते तो यहाँ पे क्यों होते, और हमने कब्जा नहीं किया, हम बरसों से रह रहे हैं यहाँ पे, डेढ़ साल डेढ़ से रह रहे हैं, ठीक 150 डेढ़ साल से रह रहे हैं, अब ऐसा है कि ये ज़मीन जो है हमारी है, हमारे बाप दादा की पैदाश, बच्चों की पैदाश, हमारा मैका दुनिया भरे का सब कुछ हमारा यहीं का है, और ये ज़मीन है हमारी, ये रेलवे कब्जा करना चाह रही है, ऐसा नहीं, इंसाफ होना चाहिए, और हम मकान टैक्स बत्ती बिल पानी बिल सब कुछ हम दे रहे हैं, और मकान का टैक्स, और ये नगर निगम जो है सब कुछ ले रही है, आज ये नगर निगम कहाँ मुँह छुपाए बैठी हैगी, जो आज पब्लिक के सिर पे नहीं है, और जो साल में दो साल में पाँच साल में जो मुद्दा उठता है, क्यों उठता है, ये नाजायज मुसलमानों को क्यों सताया जा रहा है, इस मुद्दे को आप बंद करें, बिल्कुल एक सताना ही हो गया, कहरी हो गया आपके लिए, कहरी हो गया बेटा आपके लिए, ये हमारी ये किसी की ज़मीन नहीं है, जो हमारी दादिलाही ज़मीन है, हमारे बाप दादा बच्चे सब ही पैदा हुए होंगे, और ये ज़मीन हम नहीं छोड़ेंगे, और बस ज़्यादा करेंगे तो हमारे ऊपर बिल्डोजर चला दें, हम अपनी ज़मीन छोड़ के नहीं जाएंगे, ये हमारी हक की लड़ाई है, नहीं बिल्कुल गलत कर रहा है, ये तो अल्लाह देख रहा है, ये हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन पर रेलवे कब्जा कर रही है, हम हक के लिए अपने लड़ना है, हम नाजायज नहीं लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है, हम तो ऐसे लड़ सकते हैं कि अगर आप कह रहे हैं बिल्डोजर चलेगा आगे लेट जाएंगे, एक ही दफे में फैसला हार या पार, ये माफ कर दे, ये माफ कर दे, ये